हेलो राम राम जी। आज मैं बना रही हूँ चचिंडे खींच के और ये भी कूट के चचिंडे कूट के, ये मूली कूट के, इनका मिक्स बनाऊंगी मैं सब्जी। आप लोगों ने बनाई है कभी? ये लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, प्याज जल रहा है देखो, ऐसे बनाती हूँ मैं तो। मुझे बहुत टेस्टी लगती है ये वाली सब्जी, गाँव में खाते थे हम, तो मैं यहाँ ले आई चचिंडे और वो भी मूली चचिंडे कूट के और मूली कूट के। आप लोग भी बनाना, मुझे बताना कमेंट में, ज़रूर बताना आप लोगों ने कभी बनाई है तो मूली और चचिंडा मिला के। मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है ये। आप लोगों ने बनाई है कभी ये वाली सब्जी, ज़रूर बताना। इधर बच्चों के लिए बन रहा है और इधर हमारे लिए बन रहा है, पर सब्ज़ी हो गई है ज़्यादा, अब मैं डांट खाऊंगी। दो आदमियों के लिए इतनी सब्ज़ी बना के, बासी नहीं खाते ना वो, तो बोलते हैं थोड़ी सी बनाया कर जितनी ख़त्म हो जाए। तो मुझे अंदाजा नहीं आया, मैंने मूली भी कूट दी है चचिंडे। अब डालूंगी इसमें मसाले, मसाले नॉर्मल वही मसाले डालते हैं जो डालते ही हैं। ये है नमक, ज़्यादा नहीं खाते हम नमक, नमक खाते हैं हम कम, मिर्ची भी खाते हैं हम कम, नमक मिर्ची हम बहुत कम खाते हैं। ये है हल्दी, हल्दी पाउडर, और ये रहा धनिया पाउडर, ये रहा धनिया पाउडर, और अभी मिर्ची पाउडर डालूँगी बस, यही डालती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डालना। मुझे तो अच्छी लगती है ये वाली सब्ज़ी, आप लोगों को कैसी लगती है बताना, और ऐसे बताना कि आप कैसे बनाते हो। मैं कैसी बनाती हूँ सिंपल सी, और कुछ नहीं डालती, प्याज भुना मैंने बस, सब्ज़ी डाल दी, ऊपर से मसाले डाल दिए, इसमें टमाटर भी नहीं डालता, टमाटर भी नहीं डालती मैं, लास्ट में थोड़ा सा दूध डाल दूँगी, दूध डाल के भी टेस्ट आ जाता है। ये डालूँगी मिर्ची पाउडर, बहुत तेज़ मिर्ची है ना इसलिए थोड़ी सी डालूँगी, ज़्यादा नहीं, मिर्ची हो जाएंगी बस। ऐसे बनाती हूँ शॉर्टकट में। अभी आटा गूंदूँगी, रोटी बनाऊँगी, बहुत देर हो गई आज, आ जाइए आप लोग भी, जब तक सब्जी बनती है आप लोग भी आओ और खा के चले जाना। ये लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ मैं, बहुत टेस्टी होती है ये सब्जी लोहे की कढ़ाई में। इसमें पानी नहीं डलता, ये इसमें पानी अपने आप हो जाता है इसलिए पानी नहीं डालते हैं। और लहसुन पीस दी थी मैंने, जब मैंने इनको कूटा था सिलबट्टे में कूटा है, तो तब मैंने साथ के साथ लहसुन भी पीस दी थी, बाकी और कुछ नहीं डालती मैं। प्याज में प्याज भून के लहसुन इसके साथ पीस दी बस, अब डब दूंगी, पानी नहीं डालना इसमें। ये सूखी सूखी अच्छी लगती है, थोड़ा बाद में दूध डाल देंगे जब ये पक जाएगी, और थोड़ा सा दूध में पका दूंगी। पक गई है अब, मैंने दूध डाल दिया है, तो मैं थोड़ा दूध के साथ पकाऊँगी। इसमें पानी नहीं डाला मैंने, वैसे ही पक जाती है भाप में, कम आँच कर दो गैस की, और जब पक जाएगी हल्की सी रह जाएगी पक कसर, तब दूध डालो, तो थोड़ा सा दूध के साथ पका दो, बहुत टेस्टी होती है। बना के देखना आप ऐसे, मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। ये तो बन गई, बहुत अच्छे से बन गई, देखो बहुत अच्छी बनी है।
खिचौड़ी बोलते हैं हमारे उत्तराखंड में इसको, मूली और चचिंडा की खिचौड़ी। कितने लोग तो इसमें तरी करते हैं, इसमें भात बनाते हैं, चावल बनाते हैं भात भी बोलते हैं, चावलों को भात बोलते हैं, तो मैंने भात ही बोल दी, भात बनाते हैं। बस अब थोड़े बन गया, थोड़ी देर ढक के देखूँ, पका दूँगी, फिर कम कर दूँगी गैस। ये देखो बन गई। आइए आप लोग भी और चचिंडा और मूली की खिचौड़ी खा जाइए। सभी भाई बहन आइए मेरे YouTube फैमिली के, और चचिंडा और मूली की खिचौड़ी खा जाइए।